प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोली कांग्रेस सभी को समान भाव से लूटती, करोड़ों महिला और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। अमित शाह का मणिपुर में चौथा दिन, इम्फाल में मेती राहत शिविर दौरा का आयोजन किया, जल्द बहाल होगी शांति। स्मृति ईरानी ने ट्वीट में लिखा, हे दिव्य राजनीतिक प्राणी, केंद्रीय मंत्री को कांग्रेस ने मिसिंग बताया था, ट्विटर पर चला वार पलटवार। पंजाब में सीएम पूर्व सीएम की सियासी जंग, मान बोले आईपीएल क्रिकेटर से 2 करोड़ मांगे, चन्नी ने कहा नौकरी के बदले मेरी बदनामी का सौदा। हरियाणा के बिजली मंत्री की मीटिंग में बत्ती गुल, नारनौल आए रणजीत चौटाला, भड़के बोले पहले अधिकारियों की क्लास लगा दूं फिर समस्या सुनूंगा। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने ब्राह्मण सदन का किया उद्घाटन, कहा धर्म विजय देश को प्रगति करने में सक्षम बनाएगा। राहुल के मुस्लिमों की सुरक्षा वाले बयान पर ओवैसी का वार, कांग्रेस शासन में हुई हिंसा की दिलाई याद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, अहमदनगर का नाम बदलकर किया जाएगा अहिल्या देवी होलकर नगर। डीसीडब्ल्यू चीफ ने डीसीपी को भेजा समन, ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पहलवानों के समर्थन में मार्च, हाथ में दिखा दी वी वांट जस्टिस का पोस्टर। सरकार ने सभी 5 चुनावी गारंटी को लागू करने का फैसला किया, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। सावित्री बाई फूले पर लेख से विवाद, शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर की एक्शन की मांग। तेलंगाना में जमकर बरसे ओवैसी, बोले ओल्ड सिटी में नहीं है दम तो चीन पर करे सर्जिकल स्ट्राइक। राजस्थान में अब 100 यूनिट फ्री बिजली सबको मिलेगी, 200 यूनिट तक सरचार्ज शुल्क भी माफ किया, हर कैटेगरी के कंज्यूमर को मिलेगा फायदा। ईडी का दावा, सरकारी गवाह ने मनीष को दी रिश्वत, चार्जशीट में खुलासा, शराब नीति घोटाले का पैसा आपने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी हो, किसान नेता राकेश टिकैत बोले खिलाड़ी मेडल हरिद्वार में कल गंगा जी में बहाने गए थे, ये देश का दुर्भाग्य है। सीएमओ ने कायमगंज सीएचसी का किया निरीक्षण, निरीक्षण में आरकेबीएसके का रजिस्टर और स्टाफ नर्स मिली गायब, बेड पर नहीं था चादर। राजधानी में अपराधियों की भी बनता है शस्त्र लाइसेंस, मुख्तार के बेटे से लेकर गैंगस्टर संदीप का बना फर्जी लाइसेंस, 2007 से अब तक हो रहा था रिन्यूअल। सहारनपुर पुलिस की 24 स्पा सेंटर पर रेड, 30 लड़कियां और 10 लड़के पकड़े गए, व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर ग्राहक बुलाते थे।
लावारिस कार में मिला नोटों से भरा बोरा, वाराणसी में तलाशी लेने पर मिली 93 लाख की करेंसी, इनकम टैक्स ने कैश कब्जे में लिया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का लव जिहाद, निकाह कर धर्म बदलवाया, बोला मैं कई हिंदू लड़कियों से शादी करूंगा, विरोध करोगी तो श्रद्धा जैसा हाल करूंगा। सपा विधायक इरफान की एक और अर्जी खारिज, आगजनी मामले में 10वें गवाह ने दर्ज कराए बयान, हस्ताक्षर जांच की मांग को कोर्ट ने नकारा। देवरिया में तहसीलदार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, पीड़िता बोली शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, दबाव बनाया तो दी धमकी। कांग्रेस के मिसिंग पोस्टर का स्मृति ईरानी का जवाब, मैं अमेठी दौरे पर हूं, पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हैं तो अमेरिका संपर्क करें। गंगा दशहरा पर स्नान करते डूबे बालिका किशोर के शव बरामद, नगला सिंघी में यमुना नदी में डूबी थी बालिका। कानपुर से दिल्ली की दूरी होगी कम, कानपुर अलीगढ़ के बीच बन रहा है 6 लेन हाईवे, 90 किलोमीटर का चक्कर होगा खत्म। ग्रेटर नोएडा पुलिस और आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार, हरियाणा से मुजफ्फरपुर नगर तस्करी करने जा रहे थे। कौशाम्बी में 2 पक्षों में मारपीट हुआ, पथराव, 22 लोगों पर FIR, छेड़खानी के दबे मामले में हुआ था बवाल। शाहजहांपुर में गर्रा नदी में डूबे 2 सगे भाई, दोनों की मौत, पशुओं को चराने गए थे, नदी में उतरकर नहा रहे थे। कासगंज पुलिस ने 8 अपराधियों पर की गुंडा एक्ट की कार्रवाई, सभी को 6 महीने के लिए किया जिला बदर, घरों पर नोटिस जसपा। पहलवानों के समर्थन में उतरे शिवपाल सिंह यादव इटावा में, बोले दिल्ली में पहलवान बेटियों के साथ जो हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर। आगरा में इनर रिंग रोड जमीन वापसी में अटका पेंच, किसानों की मांग, प्रस्ताव सरकार को भेजने से पहले ATA बोर्ड में बैठक पास करें। उन्नाव में नवजात की मौत पर भड़के परिजन, अस्पताल के बाहर सड़क जाम कर किया हंगामा, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था इलाज। सिग्नेचर ब्रिज के लिए शुरू हुआ काउंटडाउन, नोएडा में 81 करोड़ की लागत से तैयार किया गया ब्रिज, 5 लाख लोगों को होगा फायदा। सुल्तानपुर में 24 घंटे के अंदर अपहरण, युवती बरामद, कौरिंदी कला, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, FIR, लखीमपुर का है आरोपी। जालौन में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक को लगी गोली, 2 ने किया सरेंडर, 25,000 का इनाम घोषित था। दो सगे भाइयों को 5 साल के कारावास की सजा, 2013 में खूनी संघर्ष को लेकर कराया था मुकदमा दर्ज, क्रॉस केस की सुनवाई में अभियुक्त बरी। सुल्तानपुर में प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल सस्पेंड, रोक के बावजूद SSC अकाउंट से निकाले थे रुपए, ABSA की जांच में हुई पुष्टि। आजमगढ़ में छोटे भाई की पीट कर हत्या, शराब के नशे में बड़े भाई ने किया मर्डर, आरोपी गिरफ्तार। मऊ में DM ने अधिकारियों के साथ की बैठक, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण व कायाकल्प प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए।
बदायूं में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से होमगार्ड की मौत, जरीफ नगर थाने में तैनात था सुरेश पाल होमगार्ड। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी, तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर कार से टकराई, हादसे में दो लोग घायल हो गए। औरैया में अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा अब बीजेपी और कोई नया तरीका ढूंढ कर लगाएगी जिससे और भी करप्शन बनेगा। आशा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा 9 सूत्रीय ज्ञापन, समस्याओं के निस्तारण की मांग, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। बलिया में मिला युवक का शव, मर्ची गांव के पास सड़क किनारे पड़ा था, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड में नवीन चक्राता टाउनशिप बसाए जाने का रास्ता साफ, कैबिनेट से मिली हरी झंडी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के जन्म दिवस पर दी हार्दिक बधाई, बाबा केदार से की सुदीर्घ मंगलमय जीवन की कामना। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक, बैठक में सीएम धामी भी हुए शामिल। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, कारोबारियों को राहत, अवैध खनन का जुर्माना घटाया, मैदान में पट्टे का आवेदन शुल्क बढ़ाया। हरिद्वार के विधायक अनुपमा रावत ने एचआरडीए दफ्तर में किया हंगामा, कर्मचारी पर लगाया अभद्रता का आरोप। उत्तराखंड के अमृत सरोवर के निर्माण स्थल में पहुंचा बाघ, श्रमिकों में मची अफरा तफरी, भागने के लिए फेंके पत्थर। उत्तराखंड में 15 जून तक नए पंजीकरण पर रोक, सीएम धामी ने की मौसम को देखकर यात्रा करने की अपील। उत्तराखंड में पैराफिट तोड़ खाई में लटके चार धाम जा रहे यूपी के 42 यात्रियों से भरी बस, खिड़की से बाहर निकाले लोग। उत्तराखंड में फर्जी वेबसाइटों को लेकर एसटीएफ ने जारी की एडवाइजरी, ठगी से बचने से ऐसे पहचान करें। उत्तराखंड के राजाजी में अपना इलाका सुरक्षित कर रही कॉर्बेट से आई नई बाघिन, विशेषज्ञ 24 घंटे रखे हुए नजर। उत्तराखंड के ओशी डाबर कोट में भूस्खलन रोकी, यमुनोत्री धाम की यात्रा जोखिम भरी बनी हुई आवाजाही। उत्तराखंड में नशीला इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर ने कैंसर पीड़ित पत्नी के साथ की आत्महत्या, कमरे में मिला सुसाइड नोट। उत्तराखंड में लिपुलेख तवाघाट सड़क के पास दर की चट्टान, धारचूला और गुंजी में करीब 300 यात्री फंसे। केंद्र के फरमान से 10,000 करोड़ की परियोजनाओं पर मंडराए संकट, सीएम लिखेंगे पीएम को पत्र। उत्तराखंड में खुली विश्व धरोहर फूलों की घाटी, दो जगह पर हिमखंडों के बीच से गुजरेंगे पर्यटक। छियासी दिन बाद फिर विदेश में भारत पर बोले राहुल, जर्मनी में खोला पीएम मोदी को गले लगाने का राज, 22 विवादित फॉरेन टूर की कहानी है।
पाकिस्तान के घरेलू मामले में दखल अंदाजी कर रहा है IMF, सरकार ने कहा हमारे पास प्लान बी मौजूद, किश्त के लिए 30 जून तक आखिरी तारीख। नॉर्वे में मिला अंडरवाटर वोल्केनो 400 मीटर की गहराई में मौजूद, इसके अंदर से लावा नहीं बल्कि मिट्टी निकल रही, ऊंचाई सिर्फ 2.5 मीटर। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर से मिले कतर के पीएम, दुनिया से जुड़ना चाहता है अफगानिस्तान, महिला अधिकारों पर चुप्पी साधी। चीनी फाइटर जेट ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को रोका, कॉकपिट से ठीक सामने से गुजरा चीन का J-16 डगमगा गया अमेरिकी जासूसी विमान। समुद्र में भी इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नया सी डोम शिप पर तैनात होगा, 90% रॉकेट मिसाइल और ड्रोन पर मार गिराएगा। पृथ्वी को मिला नया चांद, 2000 साल से पृथ्वी के पास मौजूद था, अब तक 1500 साल तक हमारे ग्रह का चक्कर लगाएगा। पाकिस्तान का सरकारी एयरक्राफ्ट मलेशिया में जब्त, लीज अमाउंट न चुकाने पर कार्रवाई, 3 साल पहले भी यही सीज हुआ था जेट। ओक्लाहोमा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाले 2 कानूनों को असंवैधानिक करार दिया। भारत में चीनी पत्रकारों के साथ अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार, चीन के विदेश मंत्रालय ने लगाया आरोप। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, 15.85 लाख करोड़ के नेटवर्क से 7 अरब को पछाड़ा मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर। IPL 2023 का फाइनल मैच बना ग्लोबली मोस्ट वॉच इवेंट, दुनिया भर में जियो सिनेमा पर 12 करोड़ से अधिक लोगों ने मैच देखा। GDP ग्रोथ 9.1% से घटकर 7.2% पर पहुंची, चौथी तिमाही में इकोनॉमिक 6.1% की दर से बढ़ी, पिछले साल ये 4% रही थी। भारत में 4 जुलाई को लॉन्च होगी हार्ले डेविडसन X440, हीरो मोटोकॉर्प की पार्टनरशिप के साथ पहली मेड इन इंडिया बाइक है। सहकारिता क्षेत्र की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी, स्कीम पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, इससे अनाज की बर्बादी रुकेगी। हजार के नोट से जुड़ी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अश्वनी, बिना पहचान प्रमाण के नोट जमा करने को चुनौती दी, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। टाटा टेक्नोलॉजी का रेनबो प्रोग्राम, जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए 1000 महिला इंजीनियरों को हायर करेगी कंपनी। चीन की 4.5% वृद्धि से आगे निकली भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व में आकर्षक स्थान बनाकर उभरा भारत। विदेशी निवेशकों पर सेबी की सख्ती, करना होगा ज्यादा खुलासा, 3 तरह की जोखिम वाली श्रेणी में रखे जाएंगे PFI। कोल इंडिया में 3% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, प्रति शेयर 225 रुपए फ्लोर प्राइस तय। धोनी को करानी पड़ सकती है घुटने की सर्जरी, CSK के CEO ने कहा घुटने की चोट पर मुंबई में स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ से धोनी सलाह लेंगे। पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन से बाहर, राउंड ऑफ 32 में किरण जॉर्ज ने वर्ल्ड नंबर 9 CQI को हराया, नेहवाल सात्विक चिराग और सेन जीते।
पाकिस्तान गारंटी दे कि वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, पीसीबी से जवाब लेने लाहौर पहुंचे आईसीसी ऑफिसर, वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में। फ्रेंच ओपन में उलटफेर में सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 2 की डेनियल मेदवेद पहले राउंड में हारे, डिफेंडिंग चैंपियन इगा स्वीटेक दूसरे राउंड में पहुंची। सचिन तेंदुलकर के बाहर लगाया गया पोस्टर, पहलवानों के मुद्दे पर चुप्पी पर सवाल, ममता बनर्जी का पैदल मार्च। यशस्वी जायसवाल में दिखी सौरभ गांगुली की झलक, वायरल हो रहा शॉट का वीडियो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान कमेंट्री करेंगे 3 भारतीय दिग्गज, लिस्ट में दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री शामिल हैं। पांड्या को टीम में शामिल न करके भारत ने की बड़ी भूल, रिकी पोट्रिंग ने बताया कारण, कहा हार्दिक टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते थे। दादा की बायोपिक से रणबीर कपूर की हो सकती है छुट्टी, आयुष्मान खुराना निभा सकते हैं मुख्य किरदार। विश्व कप से पहले वनडे टीम में शामिल हुआ धोनी का चहेता गेंदबाज मथीशा पाथिराना, 2 जून को कर सकता है डेब्यू। मुंबई एयरपोर्ट पर देसी अंदाज में स्पॉट हुई अनन्या पांडे, नो मेकअप लुक में दिखी खूबसूरत, सादगी देख फैंस हुए इंप्रेस। ब्लॉगिंग असाइनमेंट के दौरान रूपाली से मिले थे आशीष विद्यार्थी, बोले उनके पति 5 साल पहले चल बसे थे, मिलकर लगा दूसरी शादी कर सकते हैं। ओटीटी फिल्मों और वेब सीरीज के लिए नए नियम सीन्स के दौरान दिखाई जाएगी एंटी टोबैक वार्निंग, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए निर्देश। फिल्म ये है जवानी दीवानी को 10 साल पूरे, डायरेक्टर अयान मुखर्जी बोले ब्रह्मास्त्र के बाद भी लोग मुझसे ये है जवानी दीवानी की बात करते हैं। करिश्मा माधुरी का बलम पिचकारी पर डांस, दिल तो पागल है कि यादें ताजा हुई, फैंस को खली शाहरुख खान की कमी। गॉडफादर फेम अल पचीनो 83 की उम्र में पिता बनेंगे, 54 साल छोटी हैं गर्लफ्रेंड को एक्टर डी नीरो भी 79 साल में पिता बने थे। दिखेला स्टोरी देखना नहीं चाहते नशीरुद्दीन साहब, बोले इसे प्रोपोगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खास धर्म से नफरत करना फैशन बना। बैन हटने के बाद भी नहीं मिल रहे स्क्रीन से विपुल शाह, बोले अब सड़क पर उतर कर इनके गुंडों से तो लड़ नहीं सकते ना। सावरकर से नहीं स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थे मेरे परदादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते ने स्वतंत्र वीर सावरकर के टीचर पर जताई आपत्ति। सिंपल लुक में नजर आए परिणीति चोपड़ा, पेपरोजी ने पूछा शादी की तारीख क्या है, बोली मेरे साथ वाली से पूछो। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।